और आप सब यहाँ आए हुए गरीब बस्तियों के लोग, फेरी वाले, रेहड़ी पटरी वाले, आदिवासी समाज के, दलित बस्तियों से निकले हुए और विविध राज्यों से और महाराष्ट्र के विविध जिलों से पधारे हुए हम सब लोग आज यहाँ हैं और उनकी तैयारियां चल रही है, बहुत बड़ी तैयारियां चल रही है। $1.5 बिलियन का पैसा इस बार इस एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा भारत को देने की तैयारी चल रही है और उस पैसे के द्वारा जो योजनाएं नहीं परियोजनाएं, मुझे अभी समझ में आया कि परियोजनाएं क्यों कहते हैं, क्योंकि परी जैसे वो सपने दिखाते हैं, बच्चों को जैसे परियां लगती है वैसे बहुत सारे आम जनता को वो लुभावनी लगती है और ये समझ भी नहीं आता कि वो कब हमी को लूटती है। तो ऐसी परियोजनाओं का एक अंबार खड़ा करने जा रहे हैं इस 25 तारीख से शुरू हो रहे AIIB के परिषद में, इसके बारे में कोई शंका नहीं। तो हम यहां क्यों हैं? हमको सही तो उनके अंदर घुसपैठ करने की जरूरत है, वहां जाकर उनके आमने सामने सवाल जवाब करने की जरूरत है, उनके दरवाजे के बाहर रखे तो भी वहां खड़े होकर हमारे सवालों का जवाब दो, हमसे चर्चा विमर्श करो और हमें बताओ कि आप अंदर क्या तय करने जा रहे हैं, ये पूछने की जरूरत है। साथियों, इसलिए ये सवाल इस सभा गृह तक सीमित न रहे, ये सुचेता जी की बात बहुत ही अहम बात है और उसके माध्यम क्या होंगे, जिसमें से एक ये वैकल्पिक परिषदों का माध्यम देश और दुनिया में नामी हो गया है और उससे अलावा क्या क्या माध्यम होंगे जिससे कि हम जनता को यहाँ उभरती हुई पूरी हकीकत बयां कर पाएंगे, समझा पाएंगे और सच और झूठ का सामना करने के लिए एक सशक्त संगठित बना पाएंगे, ये हमारी सोच है, ये हमारे मन के सवाल है और इसके जवाब अगर ये 3 दिन में कुछ निकलेंगे तो ही कुछ हल की तरफ, सुझाव की तरफ, सुलझाव की तरफ हम बढ़ पाएंगे। जैसा कि अरुण कुमार जी ने कहा कि 2500 अंतरराष्ट्रीय साहूकारी संस्थाएं हैं, ये साहूकार हैं, सही सरल भाषा में कहे तो याद आया नर्मदा बचाओ आंदोलन में हमने दी हुई 1980 के दशक की आखिरी में घोषणा नारा, विश्व बैंक है साहूकार, जनता बने कर्जदार। ये सादी सरल हकीकत भी जब विश्व बैंक हो या IMF हो, दूसरे महायुद्ध के बाद आई हुई पहली दो बड़ी साहूकारी संस्थाएं क्या शक्तियां, इनके द्वारा आए हुए एक एक परियोजना के गहराई में उतरकर उनके पोल खोल करके उनको आखिर नर्मदा जैसे पूरी घाटी से हटाने में 8 साल लगे हमको। तो आज यही AIIB का एक नया जुमला और उसका हमला, ये दोनों एकत्रित करके देखने के लिए भी हमको कितनी ताकत चाहिए और वो 2500 संस्थाओं में से एक है। और मैं अभी पूछ रही थी कि क्या इसमें जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, औद्योगिक गलियारे, नाम भी देखिए, 300 किलोमीटर चौड़ा और 1500 किलोमीटर लंबा एक गलियारा, तो इस प्रकार के पूरे भ्रमित करने वाली योजनाओं के लिए बनाने वाले विशेष आर्थिक माध्यमिक संस्थाएं जो एक नई तरह से उभरी है और इनका ऑफिस कहाँ ये भी हमको मालूम पड़ते पड़ते उनके एग्रीमेंट्स, उनके करार अनुबंध हो जाते हैं, जो कहीं अशोका होटल में होते हैं तो कहीं यूनिवर्सिटीज के अंदर होते हैं। तो हम लोग इन तमाम संस्थाओं के सामने किस प्रकार से संघर्ष करें, सामना करें और इनकी पोल खोल करें और इनकी बुनियाद को चुनौती दे दे, इन सवालों के कुछ जवाब बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ तमाम विशेषज्ञों ने रखे हैं।
पर इसको हमको अगर धरातल पर उतारना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, इसकी सोच कर भी ये पूरा राक्षस और उसके पूरे जान कहाँ है, नाक में है कि कान में है, ये ढूंढने में ही कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति, कितना विश्वास, आत्मविश्वास और जनशक्ति के आधार लेना जरूरी होगा, ये हमको सोचना चाहिए। हम कह रहे हैं कि AIIB एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स में से है, जो बहुराष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं में से है, और वो अन्य सहकारी संस्थाएं जैसे ADB एशिया डेवलपमेंट बैंक हो कि वर्ल्ड बैंक हो, इनके साथ समन्वय के द्वारा पैसा लगा दी जाती है। तो इस बैंक की जरूरत क्यों पड़ी, इसका सवाल और इस सवाल का जवाब भी देना जरूरी है। कभी चीन उस प्रकार के स्टेटिस्ट यानी राज्याधारित शक्ति जो भी जनता को कुचलती थी, भले वो वामपंथी कही जाएगी लेकिन वो जनपंथी जनवादी तो नहीं थी। और वो चीन का नेतृत्व अब जब पूरा पूंजीवाद में परिवर्तित हुआ है, तब उनको अब पूंजीवादी तौर तरीकों में भी एक नया मॉडल खड़ा करने की इच्छा है, और उन्हीं के नेतृत्व में ये AIIB तैयार हुई, न भूटान, न बांग्लादेश, न भारत भी। लेकिन हमारे देश का दुर्दैव यह है कि आज हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी खुद ही अनिवासी भारतीय बन गए हैं, और वो इस प्रकार से लेन देन चला रहे हैं जिसकी जानकारी लेने का अधिकार भी सूचना अधिकार का कानून 2005 से आते हुए भी हमें नहीं है। हमारी लोकसभा और राज्यसभा में भी दुर्दैव से संविधान की त्रुटि के कारण भी आज भी जो अंतरराष्ट्रीय करार मदार अनुबंध और लेन देन हो रही है उसका कोई प्रतिबिंब नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई निर्णय में अधिकार नहीं हमारे सो कॉल्ड चुने हुए जनप्रतिनिधियों को। तो आज यहाँ सही में हमारे अगर 543 सांसद बैठते या आमदार विधायक बैठते महाराष्ट्र के, तो मेरे ख्याल से कुछ मतलब रहता, अन्यथा वो भी इतने दुर्बल, निर्बल और अज्ञानी बनकर जनप्रतिनिधि कहे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हमारे उपस्थित आम जनता का सही में प्रतिनिधित्व अलग अलग जगह पर करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि उनको एक प्रकार से नजरअंदाज करके आप अगर इस देश के लोकशाही, समाजवादी, सर्वधर्म समभावी शासन का भी क्षय कर रहे हैं तो आप बाजू हटिए, हम ही अब लोग प्रतिनिधित्व करेंगे, और हम लोग कितने भी बड़े अंतरराष्ट्रीय ताकत हो उसको चुनौती दिए बिना नहीं चुप रहेंगे, ये आवाज और ये संकल्प उठने की भी जरूरत है। और ये कहे तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि राक्षस जैसा सामने खड़ा है, लेकिन राक्षस को भी हराया है, गिराया है, ये इतिहास है, ये केवल माइथोलॉजी नहीं है। तो उसके जान कहाँ है वो ढूंढने की जरूरत है। उसे तो ये सब सोचते सोचते लगने लगा कि जान उसमें है, और ऐसा लगने लगा कि अब इसको ही छोड़ दीजिए और बार्टर सिस्टम पर चले जाइए कि हम लोग बस एक लेन देन शुरू करें। हमारे आदिवासी जैसे अंबाड़ी देकर नमक खरीदते थे, क्योंकि नमक छोड़कर बहुत सारी चीजें सतपुड़ा विंध्य के हमारे भील बिलाला नायका राठवा में थी, और आज भी जो प्रकार के एक साधन संसाधनों की ताकत और व्यवस्था उनमें है, जो कि प्राकृतिक संसाधन और श्रम के आधार पर जी रहे हैं, उनकी उन संसाधनों की ताकत ही और उन संसाधनों के एक सुंदर सादगी पूर्ण समता और न्यायवादी लेन देन में लगाने की संभावनाएं हैं, जिसके वैकल्पिक मार्ग आज भी कहीं ना कहीं जीवित है। उनको न केवल उजागर करना, उनको लेकर आगे बढ़ना,
यही हमारी ताकत हो सकती है जो इस पूंजीवादी नहीं बाजारवादी व्यवस्था को गिराने या गिराने के पहले नजरअंदाज करने और सीमांत करने में सफल हो सकती है। साथियों, ये भी एक परियोजना जैसी परियोजना लगी शायद कहीं हो, लेकिन हमको उस दिशा में बढ़ने के साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि बहुत बड़ी बड़ी संस्कृतियां इस धरती के नीचे गई है। एक नर्मदा जीवित है, वो भी खत्म होने के कगार पर है। अब डूब का नहीं सूखे का खतरा है, पर नर्मदा का बांध के दृष्टि से नहीं, आर्कियोलॉजी के दृष्टि से, इतिहास पूर्व पुरातत्व शास्त्र की दृष्टि से उद्धृत कर रही हूं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति भी, उसके पहले की ये संस्कृति आज तक कम से कम जीवित है, लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति भी पानी के अंधाधुंध इस्तेमाल से सिंचाई के नाम पर खत्म हुई, ये पुरातत्व शास्त्रीय वर्णन है। तो हम लोग आज देश के प्राकृतिक संसाधन और मनुष्य संसाधनों का उपयोग कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, और इसके बीच में जो पैसा और बाजार के दो माध्यम खड़े हैं, उनको हम लोग कितनी जगह, कितना अवकाश देंगे और कितना अवकाश नहीं देंगे, इस पर अगर सोचेंगे तो ही हम कुछ जो बोल बाले में बहुत विश्लेषण और विरोध विद्रोह सब कुछ खड़ा है, उसको कहीं सही दिशा दे पाएंगे। आज उसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि AIIB ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर को सुपरास्ट्रक्चर कर दिया। आज विकास को एक राजनीति, चुनावी राजनीति का एक तंत्र मंत्र कर दिया। कोई एक राज्य भी ऐसा दिखाई है कि जहां उनके जो डिजाइन्स है उसके बारे में सवाल करने वालों को जेल का दरवाजा नहीं दिखाया जाता है या उन पर बलशाली प्रयोग नहीं किया जाता है। कोई एक भी राज्य ऐसा नहीं है, भले पार्टी अलग अलग हो, ये मैं अधोरेखित करना चाहती हूं। अभी मैं तमिलनाडु से आई, तूतुकुड़ी से आई, तूतुकुड़ी में स्टेरिलाइट को सवाल करने वालों पर चली गोलियां, या सेलम चेन्नई एक बड़े एक्सप्रेस वे का हिस्सा, उसको विरोध करने वाले पीयूष मानस को भी, जो पानी को बचाने के लिए और लोगों को बचाने के लिए आवाज मात्र उठा रहे थे, उनको भी दिखाया गया जेल। ये तमाम चीजें आज जब देश भर फैली है, तब हम लोगों को ये एक नए रास्तों के ऊपर जनता का जागरण सबसे महत्व की बात है। हमको ये कहना जरूरी है कि ये सुपर स्ट्रक्चर के ये बहुत विविध आयाम है। PCPIR आप ले लीजिए, आंध्र प्रदेश का पूरा किनारा, जिसमें ये पेट्रोकेमिकल्स के नाम पर पूरा योजनाओं का भरमार, और वो भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स ईस्ट गोदावरी जैसे एक एक जिले में दसों, या आप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स ले लीजिए जिसका वर्णन उल्काताई ने किया है, मैं ज्यादा नहीं कहती, पर एक इस मुंबई से दिल्ली तक जाने वाला एक कॉरिडोर जिसमें इन्होंने छोटे छोटे चौकोन के रूप में 10,000 हेक्टेयर की इंडस्ट्रियल एरिया और 20,000 हेक्टेयर की जरा गड़ा बड़ा चौकोन इन्वेस्टमेंट रीजन, इस प्रकार से नक्शे सामने रखकर हमें ये नहीं बताते हैं कि इसका पूरा आकलन ये है कि 3,90,000 हेक्टेयर जमीन इन्होंने चिन्हित की है। अब वो जमीन मतलब कोई रियल एस्टेट की या SRA प्रोजेक्ट की जमीन नहीं है, यहां आबादी बैठी है, गरीब बस्तियों को तो मुंबई के डेवलपमेंट प्लान में भी एक कोरा चौकोन या गोल बनाकर रखते हैं। उसमें क्या है, छोटे उद्योग कितने हैं, रेडी पटरी वाले कितनी है, डोमेस्टिक सर्वेंट्स और खुद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, पूरी बुनियादी जरूरतें पूरी करने वाले और प्राथमिक उत्पादनों में और वितरण में लगे हुए तमाम तबके समाज के जहां रहते हैं, उनको ये शून्य अवकाश जैसा स्थान देते हैं और कुछ नहीं। तो ये सब जो चौकोन चौकोन इनके नक्शे में आ रहे हैं, और जिसको एक कॉरिडोर जैसा एक विभ्रमित करने वाला शब्द देकर वो हमें भी भ्रमित कर रहे हैं, उसमें अगर एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इनके लक्ष्य है 3,90,000 हेक्टेयर, तो वहां कितने लोग उजड़ेंगे, वहां कितने उद्योग और रोजगार खत्म होंगे, वहां कितने पेड़
गिराए जाएंगे, वहां कितने जमीन का हस्तांतरण होगा, और तो और कितना पानी और ऊर्जा उसमें जाएगी, इसका कोई भी नक्शा देश के सामने नहीं है। भले 8 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में अमृतसर गया तक के इन्होंने अपना नक्शा बना लिया हो, तो एक एक प्रकार से अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर यह बताना जरूरी है कि क्लस्टर डेवलपमेंट, एक नए नए कॉन्सेप्ट और नए नए टर्मिनोलॉजी लाकर ये किस प्रकार से भ्रमित करते हैं, बहुत सारा इलाका अपने कब्जे में लेते हैं, और फिर उस प्लानिंग की प्रोसेस में कहां ग्राम सभा, कहां आदिवासी ग्राम सभा, कहां वार्ड सभा, कहां जिला पंचायत भी, और कहां विधायक और सांसद भी, ये सब बाजू में हो जाते हैं। किसी को, मूर्खों को समझता भी नहीं है कि आपका जिसका हक है, जिस पर अधिकार है, नियोजन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 243 इसके द्वारा या और मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा कि भाई कैसा विकास हो, आर्थिक विकास ऐसा हो कि मुट्ठी भरों के हाथ में सत्ता, अर्थ सत्ता केंद्रित न हो, लेकिन बराबर उस दिशा में जाने वाले प्लानिंग को कितने लोग बुनियादी सवाल उठा रहे हैं। इसीलिए पंचायती राज या लोकतंत्र आज एक बाजू में पड़कर ये बाजार तंत्र का हावी होना, जिसका वर्णन वॉल स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट के झगड़े में अरुण कुमार जी ने किया, वो सबसे बड़ा झगड़ा है, और इस संघर्ष को और ताजा और तेज करने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। ये AIIB जैसे एक एक बैंक अगर एशिया के खंड की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर के जो विरोधाभास है और जो विद्रोह है, उसको भी कम से कम भारत जैसा देश ने भूलना नहीं चाहिए। अब चाइना और जापान के साथ साथ भारत का अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ जो संबंध है और बनता जा रहा है, उसका भी सोचना जरूरी है, जिसके लिए इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स जैसा एक प्रोजेक्ट उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं। हमारे नदियां, जब एक नदी अगर बड़े 165 बांधों से नर्मदा या और कृष्णा 900 बांधों से बांधी जाती है, तो हम लोग एक एक बांध पर लड़ते हुए जो मैक्रो सिनेरियो देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से पूंजी जो लगाता है वो पूरी जल नियोजन और नीति को ही बदल देता है। और ये मुद्दा जब नर्मदा से उठाया और विश्व बैंक को हटाने के लिए उनके ही अपनी नीतियों का पालन नहीं हो रहा है, ये उनको दिखाया, और US कांग्रेस तक जाकर बात रखने का मौका मिला, तब ये हमने देखा कि किस प्रकार से 5% केवल बजट का 5% हिस्सा अपने फंड के रूप में, वो भी दो कानाल और बांध के लिए विभाजित करते हुए देने वाली विश्व बैंक इस देश के तमाम कानून और नीतियों को बाजू में करके नकार कर बिना मंजूरी प्रोजेक्ट आगे बढ़ाती है। ये सवाल आज हर परियोजना के लिए है, लेकिन आज और बदलाव जो आया है वो है कंपनीकरण, पूंजीकरण के कारण। वो पूंजीवाद जो वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी सहकारी संस्थाओं से आता है, उसका सामना करते हुए भी हमको कई बार महसूस हुआ, और कईयों ने कहा कि देखिए आपके संघर्ष के साथ इन्होंने डायलॉग किया, बातचीत की, संवाद किया, लेकिन आपकी सरकार कर रही है क्या? उनके भी अधिकारी ये सवाल करते थे। आज तो आप देख रहे हैं सरकार का संवाद, सरकार का संबंध, रिश्ता नाता केवल बड़ी कंपनियों से होने के कारण वो उनके साथ संवाद कर रही है, और उनकी पूंजी लगाने के लिए ये तमाम अंतरराष्ट्रीय सहकारी संस्थाएं जो मदद कर रही है, उसके कारण अब हमको हमारे सरकार के साथ ही नहीं, इन पूंजीवादी सहकारी संस्थाओं से लड़ना पड़ रहा है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स जैसी योजना में जब कंपनियों के पैसे लगेंगे, तब बड़े बांध क्या, इस प्रकार के बड़े नदी जोड़ योजनाओं से जो होगा वो क्या होगा? एक सुंदर कविता अभी घूम रही है व्हाट्सएप के इसमें, वो कभी मैंने एकदम अचानक पकड़ी कि नदी जो जोड़ी नदी मर गई, वो तो हो ही रहा है, और उसके अलावा नदी जब पैसा लेकर विकसित हो गई
तो नदी हमारी नहीं उनकी हो गई, ये भी भविष्य आज सामने चुनौती लेकर खड़ा है। तो साथियों, ये एक एक परियोजनाओं में जो निजीकरण और निजी पूंजी का निवेश, जो शासन के पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र का क्षय कर रहा है, एयर इंडिया सबसे अहम उदाहरण आज के सामने है, जो अभी कुछ दिनों के लिए शायद बच गया है, नहीं तो 76% उसके शेयर्स जाने वाले थे स्टेक्स दूसरों के कंपनियों के हाथ में, पर कंपनियां आगे नहीं बढ़ी किसी भी कारण, यूनियन की ताकत भी थोड़ी बोलती होगी या और कुछ, उनको इसमें ज्यादा मुनाफा नहीं दिख रहा होगा। तो ये कंपनियों का उसमें लगातार निमंत्रित करना, जिस प्रकार से जेटली जी के अभी के बजट में भी प्रतिबिंबित हुआ है कि पिछले बजट में हमने 70,000 करोड़ का सार्वजनिक हित का संपत्ति का हस्तांतरित किया निजी संपत्ति में, और वो प्लान किया और 1,00,000 कर दिया, तो इस बार हम 80,000 करोड़ का क्या बोलते हैं विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, और उससे ज्यादा होगा, ये हमारे अभिमान का लक्ष्य है। इस प्रकार की बातें जो खुले आम हो रही है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ सरकार खुद को खत्म कर रही है और सरकार खुद को बेच रही है, तो फिर हम सरकार को माने क्यों? ये भी सवाल आम गरीब जनता से, मेहनत कशों से उठना जरूरी है, और इसका जवाब देने के लिए हमारी संस्थाएं जो निर्माण करनी पड़ेगी, जो समतावादी समाजवादी संस्थाएं होगी, उसकी तैयारी हम में है क्या, ये भी सोचने की जरूरत है। ये कंपनियों की मनमानी का एक दूसरा ताजा उदाहरण आपको दे दूं कि हमारी सेंचुरी मिल वर्कर्स की लड़ाई चल रही है मध्य प्रदेश में। हमने जीत ही ली, कम से कम कंपनी ने कहा, हमने कंपनी बेच दी। हमने पूरे एग्रीमेंट्स देखे तो 426 करोड़ की कंपनी की मालमत्ता इन्होंने 2.5 करोड़ में बेचने की दिखाई, न स्टैंप ड्यूटी दी न रजिस्टर किए। तो हमने सवाल खड़े किए और 1800 परिवारों के लोग, न केवल श्रमिक पर उनकी पत्नियां भी, बच्चे भी, जब बाहर ही बैठे रहे, तो 9 महीने के दौरान हमने हर कोर्ट के स्तर पर जीत ली। तब सेंचुरी हमको कह रही है कि अब आप जो मांग रहे हैं VRS, वो तो हमको देना मुश्किल होगा, मैं आपको 1 रुपये में पूरी प्रॉपर्टी दे रहा हूं, आप चला के दिखाए। अब बताइए, इस बाजारवादी और पूंजीवादी व्यवस्था में, इन ढलती हुई बैंकों की व्यवस्था में, वो 426 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 रुपये में देने के लिए तैयार होते हुए भी क्या हमारे वर्कर्स मेहनत हिम्मत दिखाएंगे? ये सवाल है, क्योंकि क्या कोई बैंक हमको लोन देगी? क्या हम टेक्सटाइल मिल्स, वो 2 यार्न और डेनिम की मार्केटिंग में सफल रहेंगे? लोगों का कहना है कि एक कमाणी का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, वो दुर्गापुर में बगाराम तुलपुड़े जी नाम के सोशलिस्ट यूनियनिस्ट का एक्सपेरिमेंट नहीं ज्यादा चला, तो हम क्या चला पाएंगे? आज तो पूरी कॉर्पोरेट व्यवस्था है। तो विकल्प खड़ा करना भी आज इतना आसान नहीं है। आप अगर एक जलाशय पर कब्जा लेना चाहेंगे, जो हम मांग रहे हैं, नर्मदा में 37 कोऑपरेटिव्स हमने स्थापित किए हैं, अधिकार ले लिया है, पर पूरा जलाशय चलाने के लिए अब हम रुके हुए हैं, लेकिन क्या हमें एक एक प्रकार के माफिया, रेत माफिया, मछली माफिया, हमें वो चलाने देंगे? ये सवाल है। तो इसीलिए वैकल्पिक संस्थाएं, वैकल्पिक प्रक्रियाएं, वैकल्पिक तकनीक, और इसके आधार पर पूरी वैकल्पिक जनतांत्रिक संरचनाएं, ये खड़ी करना जरूर चुनौती है और बहुत बड़ी चुनौती है, ये समझकर भी हमको उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। और आज ये प्राकृतिक संसाधनों के स्वामी जो बैठे हैं, जो अपने परंपरागत व्यवसायों से अपनी रोजी रोटी और सब कुछ बचा के रखे हैं, और हम सब लोग को भी खिला रहे हैं आज दोपहर की रोटी, जो कर्जदार हैं और हम मांग रहे हैं कि इन्हें कर्ज मुक्त करो, सही तो मांग होनी चाहिए कि पूरे देश को कर्ज मुक्त करो, उसके नीचे कुछ भी नहीं। और ये बात अगर स्वदेशी की है, ये बात अगर समता और सादगी और स्वावलंबन, तीनों नर्मदा के ही नहीं जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के जो मूल्य और उद्देश्य मानते हैं, उसके आधार पर चलने की दिशा है,
तो हम लोगों को सोचिए क्या क्या सोचना पड़ेगा. हम लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि आज हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. ये हाईवेज और एक्सप्रेसवेज किसकी जरूरत है. अभी AIIB ने कोई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का ड्राफ्ट सर्कुलेट किया है, राजेंद्र रवि जी देखेंगे, उसे तो देखने का मौका नहीं मिला. लेकिन हमारे सामने नक्शा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो कार इंडस्ट्रीज का एजेंडा है. और कितने लोगों के पास कार है, अब उनकी संख्या बढ़ाने में लगी है सभी सरकारें. और इसीलिए जब ऐसा हाईवे या एक्सप्रेसवे आता है तो तमिलनाडु में क्या, महाराष्ट्र में क्या, समृद्धि महामार्ग कहते हुए जब वो समृद्धि बांटने के लिए मानो ये महामार्ग ला रहे हैं, ऐसा चित्र निर्माण किया जाता है, तो हम लोगों को इस सवाल का जवाब ढूंढकर अपने लोगों को समझाना पड़ता है. लेकिन क्या होता है आखिर समृद्धि महामार्ग मुंबई से नागपुर, कितने आधा घंटे का या कुछ समय बचाने वाला, उसके लिए आजू बाजू की जमीन लेने का पूरा तंत्र बदल देते हैं. एक तो जो उल्का ताई ने कहा कि पेशा कानून में जो ग्राम सभा की भू अर्जन के पहले मंजूरी लेनी चाहिए, वो समृद्धि महामार्ग को विरोध करने वाले 19 गांव के लिए निकाल दिया गया. नर्मदा में पेशा कानून की मुख्य पंचायत ग्राम नहीं होगी, जनपद यानी तालुका पंचायत, तहसील पंचायत होगी, ऐसा आदेश लाकर हमें कुछ हद तक कैनॉल्स में रोका. लेकिन यहां इन्होंने कितने हद तक ये पूंजीवाद और बाजारवाद का उपयोग किया, ये समझने की बात है. उदाहरण है औरंगाबाद के एक ऐसी जेड को हमने हटाया, लोगों ने हल चलाया और 6 साल खाली पड़ी हुई अजंता फार्मा की जमीन अपने हाथ में ली, कानूनी भी हटाया, मैदानी भी हटाया रूप से. लेकिन उसमें से कुछ एकड़, 100 एकड़ में से जमीन जब समृद्धि महामार्ग के लिए अंदर जाने लगी, जिसकी कोई जरूरत महाराष्ट्र को नहीं थी, प्राथमिकता तो बिल्कुल नहीं थी, जरूरत क्या, इच्छा पूर्ति भी जरूरत मानी जाती है, तब उन लोगों को तैयार करने के लिए इतनी मेहनत और संघर्ष से हासिल की हुई जमीन को 3.1 करोड़ देकर इन्होंने हस्तगत किया. सवाल ये नहीं है कि पुनर्वास इससे बेहतर क्या हो सकता था, ऐसा कोई पूछे है. और 1 एकड़ जमीन आपने दी 3 करोड़ में, तो आपने 5 एकड़ खरीदी ना, तो आपका तो विकास ही हो गया पुनर्वास से, ये कहना यहां तक नहीं है मुद्दा. मुद्दा है कि अन्न सुरक्षा देने वाली खेती की जमीन गैर खेती के लिए मोड़ने की का अधिकार और उसकी प्राथमिकता तय करना क्या सही है. 2013 में जो 1894 का कानून बदला, हमारा समन्वय उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व था और बंगाल में भी भूमि अधिग्रहण के मुद्दे से सत्ता जा चुकी थी, तो उन्होंने भी उसका समर्थन किया. लेकिन 2013 के कानून के जो खेती की जमीन आखिरी विकल्प होगा, इतना एक सिद्धांत भी रखा गया है, कोई भी राज्य उसको नहीं मान रहा है, न महाराष्ट्र न केरल. लोग लड़ रहे हैं अपनी खेती की जमीन बचाने के लिए, बहुत सारे पर्याय विकल्प सुझा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार और जहां जहां उनके नुमाइंदे हैं, वो तो इस हद तक जा रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर जमीन लेके रहेंगे, क्योंकि उनके पास पूंजी की कोई कमी नहीं है. बस उनके पास कमी है तो इस प्राकृतिक संसाधनों की, जिसके बिना ना वो हाईवे बना सकते हैं, ना एक सीमेंट कंपनी खड़ी कर सकते. तो कंपनियों की मनमानी एक प्रकार से मंजूर करना ही नहीं, उनको बल देने का काम ये तमाम नीतियां जो नई नई आ रही है उससे हो रहा है. हम इसको कैसे चुनौती दे दे, ये सवाल है. कंपनियों के सामने जाकर लड़ना पड़ेगा. एनरॉन के सामने लोग हमारे लड़े, एनरॉन आखिरी में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के उनके ऑडिट में भ्रष्टाचार के कारण ही गिर गई, ऐसा नहीं है. एनरॉन जैसी कंपनियां भी मच्छीमार और किसानों का सामना करती है. जब अंबानी जैसे का एसीजेड रायगढ़ में सर्वहारा जन आंदोलन एनडी पाटिल जी सभी के समर्थन लेते हुए आगे बढ़ता है और अंबानी को हटने में मजबूर करता है, एक एक जगह पर आज स्टेरिलाइट कंपनी को बंद करना पड़ा, भले 13 शहीदों को
अभी मैं देख के आई तो ऊंच आवाज में नारे बोलने वाली स्नोलिंग के मुंह में गोली डालकर उन्होंने हत्या की। इतनी निर्घृणता, इतनी अमानवीयता, जिस पैसा और बाजार से शासन कर्ताओं के भी हर कृति में, हर निर्णय में छाई जा रही है। तो एक बाजू पैसे का विकास, रोड का विकास, पत्थर का विकास, धरती का विकास, पहाड़ का विकास, सबका विकास, पर पीडी शर्मा जी कहते थे वैसे इंसान का विकास नहीं। ये चित्र जो सामने आ रहा है और इंसानियत भी आगे नहीं बढ़ रही है, नीचे गिरावट भुगत रही है, ये दिखाई दे रहा है। तो हम सब लोगों को उसका भी समानता रख के हमारी रणनीतियां तैयार करना बहुत जरूरी है। लोकल टू ग्लोबल किस प्रकार से लड़ाई हो सकती है, यही मुझे दिया हुआ विषय है। इसीलिए लोकल लेवल पर जो स्थानीय जनशक्ति इकट्ठा करने की जो चुनौती है साथियों, उसको हम कभी भूलना नहीं चाहिए। नहीं तो हम स्थानीय संघर्षों को छोड़कर अगर हम केवल अंतरराष्ट्रीय चर्चा विवाद में लगे रहेंगे तो वो तो बड़े खुश हो जाएंगे। हमको एक एक जगह जहां पकड़ के रखा है उसके नए नए आयाम और उसकी नई नई चुनौतियां लेना भी जरूरी है। ये मुंबई के गरीब बस्तियों का मुद्दा ले लीजिए। यहाँ जब बस्तियों को उखड़ना बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था, उसको रोका और बस्तियां फिर से वहां बिठाई, आज वो किस प्रकार से पुनर्वास दे देंगे कहते हुए अलग अलग पाइपलाइन के बाजू के लोगों को माहौल में मौत के कगार पर ढकेलते हैं और उसको पुनर्वास कहते हैं, ये देखना जरूरी है। आज कैसे वो विकास के नाम पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात, जमीन जो गरीब बस्तियों के नीचे की 9.24% मात्र है, जिस पर मुंबई की 52% जनता आज रह रही है, जिस जनता के बिना मुंबई को एक दिन चलना संभव नहीं है। अंबानी ने बहुत अभिमान के साथ कहा था कि 20 दिन अंबानी अपने संपत्ति से, ऐसी संपत्ति जो मात्र 467 बिलियनेयर सब्जाधीशों के पास है, वो 20 दिन देश चला सकता है, इतनी संपत्ति उनके पास है। लेकिन अंबानी आप एक दिन नहीं चला सकते इस देश को, क्या इस मुंबई को भी, अगर हमारे गरीब मेहनत कश लोग काम करना बंद करें तो आपकी गाड़ी नहीं चलती, देश क्या चलाते आप। तो ये जो एक विषमता, गैर बराबरी का पूरा माहौल है, जिसमें जमीन का, पानी का, मेहनत का भी एक खेल जो आदान प्रदान का नहीं लेन देन का चल रहा है, उसको हमको चुनौती देने के लिए जनशक्ति और जन जागरण के सिवाय नहीं, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी प्रोसेसेस ये भी हमको इंटरनेशनल स्तर पर खड़ी करनी चाहिए। जैसे नर्मदा से एक इंस्पेक्शन पैनल बना, वर्ल्ड बैंक के सामने आप कोई भी वर्ल्ड बैंक प्रभावित योजना और परिवार हो, बस्ती हो, वो चाहे स्मार्ट सिटी हो जिसमें भी उनका इनडायरेक्टली पैसा है, या अमरावती सिटी हो, हम उनको वर्ल्ड बैंक तक पहुंचाकर सवाल खड़े कर रहे हैं। पर ये बात हर AIIB तक, हर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में खड़ी होनी चाहिए, वहां जाने का हमको मौका चाहिए। उनकी अगर यहाँ जनरल बॉडी या क्या कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें हमारे प्रतिनिधियों को व्यवस्थित स्थान और सम्मान मिलना चाहिए, ये आग्रह भी इस परिषद से उठना चाहिए। और देखिए वो 25 तारीख को हमको बुलाते हैं कि हमको दरवाजे में जाकर खड़े रहकर आवाज उठानी पड़ती है, मुझे लगता है ये भी हमको करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब देखते हैं कि सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर जो जो नियम विश्व बैंक और IMF में थे, वो भी अभी नई नई फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में नहीं है, तो मतलब वहां मैप नक्शा ऐसा उतरता है। जब एक बात थी कि जो विश्व बैंक के सामने लोग जाते थे, हम भी बाहर खड़े रह के आवाज उठाते थे, तो वो अंदर लेना पड़ता था, आज वो भी नहीं है। क्योंकि जो गुर्मी है वो इस बात से आई है कि इस देश के राजनेता और इस देश के अंतरराष्ट्रीय साहूकार और कंपनियां, इनके बीच में गठजोड़ है, इसकी भी पोल खोल करना जरूरी है। हर परियोजना स्थानिक हो कि अंतरराष्ट्रीय पूंजी से हो, वो किसके मुनाफे के लिए चल रही है। हमने अभी सीमेंट की कंपनी में जा रहा बिरला टेक्सटाइल बंद कर रहा है, इस बात को उठाया तो पूरी नर्मदा के पानी पर चलने वाली कंपनियां बताने के लिए आई कि देखिए इसीलिए हमारी ये भी कंपनी बंद हुई, हमारी ये भी कंपनी बंद हुई। और पानी तो नर्मदा का करोड़ों करोड़ों लीटर एक महीने का लेते रहे,
तो हमने कहा जमीन ही नहीं, विस्थापन ही नहीं, हमारा हर संसाधन जहां जहां जा रहा है उसका हम पीछा करेंगे और उस केंद्र तक पहुंचे बिना नहीं रहेंगे। तो बिल्डर्स हो या और बड़े बाजार वाले जो हॉकर्स के जोन्स खत्म करते हैं और फिर कहते हैं हम हॉकिंग जोन्स देंगे, जो भी नहीं देते हैं उन तक हमको पहुंचना होगा, उनके सामने हमको खड़े रहना पड़ेगा। हमको ये भी जरूरत है समझना कि AIIB ने या उसके तहत NHAI नेशनल हाईवे एरिया अथॉरिटी, इन्होंने जो जो शब्द इस्तेमाल किए हैं कि हम स्थानिक समाजों का अभ्यास करेंगे, हम एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस की भी जांच करेंगे, हम सोशल असेसमेंट करेंगे, इंपैक्ट शब्द गायब है। लेकिन ये 2013 का कानून नहीं इस्तेमाल कर रहे, ये पैसा का कानून नहीं इस्तेमाल कर रहे, ये वन अधिकार कानून में ग्राम सभा को हटाने में लगे हैं, ये संविधान को बदलने में लगे हैं, तो फिर हम कैसे अपेक्षा करें कि ये सब होगा। इसलिए जो सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर ये एक एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो आश्वासन दे रही है उसका पीछा करना चाहिए, और जहां पहले उजड़े हुए लोग हैं या पहला पर्यावरणीय असर हो चुका है वहां पहले करके दिखाओ, तब तक हमको हाथ नहीं लगाओ, ये भूमिका लेकर हमको खड़े होना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारी मैक्रो स्ट्रेटेजी, हम माइक्रो लेवल की रणनीति तो बहुत बनाते हैं, उसमें भी नवीनता जरूरी है। इन्होंने जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में जमीनें छोड़ी है हमको उसका कब्जा लेना चाहिए, उसके बिना हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से गिरती हुई बैंकों को देखते रहेंगे, ये भी नहीं हो सकता। तो साथियों जरूरी है कि हमारी ताकत अगर बनती है तो हमारी रणनीति भी बनती है, और वो ऐसी अलग अलग होगी, एक्सप्रोप्रिएटर्स मस्ट बी एक्सप्रोप्रिएटेड, इस आधार पर वो चलनी चाहिए। हम लोग ये भी समझना चाहते हैं कि इन्होंने जो जो अभी लिखा है AIIB में कि ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी बनेगी, ये NHAI भी करता है, लेकिन हमारे आदिवासी मनोहर पालघर के बाजू में जिनको मुआवजा न देते हुए जमीन दे दी गई, हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में इंदौर के स्मार्ट सिटी की केस चल रही थी और हमारी तरफ देखकर चीफ जस्टिस और जस्टिसेस कह रहे थे कि रोड वाइडनिंग, डोंट कम टू दिस कोर्ट, गो टू द लोएस्ट कोर्ट इन दिस कंट्री। तो ये रोड वाइडनिंग जो सांप के और नाक के जैसे गिलंकृत कर रहे हैं उसको इतना बड़ा स्थान और सम्मान हमारी जुडिशियरी दे रही है, क्योंकि जैसे सुचिता ने कहा कि मीडिया में एक फोन आता है, जुडिशियरी को भी एक फोन जाता है, और इसका अनुभव हम लोगों ने लिया है कि दोपहर तक जजेस की कमिटी बनती है और दोपहर के बाद लेन देन होती है कि 5 एकड़ जमीन 15,000 परिवारों को मिल गई नर्मदा के एक ही बांध में, बाकी किसी बांध में नहीं मिली, लेकिन बचे हुए लोगों को आप 60 लाख दीजिए, और 60 लाख की बात क्या होती है, 10% लोग जमीन खरीदते हैं हमारे पहाड़ी के आदिवासी खास, और बाकी लोग हमको हिसाब दिखाती है, देखिए दीदी अगर फिक्स डिपॉजिट में रखा तो मुझे ज्यादा मिलने की संभावना है, खेती घाटे का सौदा बन गई है। तो साथियों ये घाटे के सौदों के आधार पर सभी संसाधनों की पूंजी एकत्रित करना और उपभोगवादी अय्याशीवादी न केवल जीवन प्रणाली बल्कि राज्य भी उस प्रकार से चलाना, और जो वोट खरीदी के बात की वो बहुत अहम है, क्योंकि कर्नाटक उसका उदाहरण है, मंगल सूत्र देकर आपको पत्नी भी बनाने को तैयार है तो 20,000 रुपए देकर वोट खरीदने तो है ही है, और इसके लिए ये सब चल रहा है। इसीलिए बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जरूर हमको आंकनी है, पर वो स्ट्रेटेजी इस पार्टी या उस पार्टी तक सीमित न रहते हुए आज जबकि सेक्युलर फोर्सेस एकत्रित आ रहे हैं, अभी चेन्नई में सेक्युलरिस्ट फोरम में मैं बोल रही थी कि सेक्युलर और कम्युनल ये डिवाइड को तो हम भूल ही नहीं सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते, पर साथ साथ विकास की अवधारणा और विकास की प्रक्रिया जो ये अस्मिता के सवालों को उछालते हैं और अपने अस्तित्व को खत्म करने वाले पूरे षड्यंत्र को एक बाजू आगे बढ़ाते हैं, वो खुश है कि हम एक गाय की बात करें, एक गोवंश की बात, तो हम खेतीहर भी करते हैं अपने, ऐसा नहीं कि केवल किसी धर्म के नाम पर गोवंश की बात करती है ताकि आप जो नेट को खत्म करो, लेकिन ये निश्चित कि उसके साथ साथ ये जो सवाल है विकास संबंधित जिसके बारे में नारा तमाम जन आंदोलनों ने 1989 के 18 सितंबर को दिया था, विकास चाहिए विनाश नहीं, और वो विकास जन विकास जब होगा उसके पूरे आयाम हम लोग जब
स्पष्ट करेंगे और उसको अपने खुद के जिंदगी से लेकर अपने संगठन तक और अपने समन्वय तक ले जाएंगे, तब हम लोग AIIB को मुंबई में परिषद लेने की हिम्मत भी नहीं रहेगी ऐसी स्थिति पैदा कर सकेंगे। जिंदाबाद।